वेकम बैक टू माई यूट्यूब चैनल आई नो मैं बहुत ज़्यादा लेट करा रही हूँ आप सभी को सब्जेक्ट्स बट आई होप मैं आपको जल्दी करा पाऊँ एंड ऑल दी वेरी बेस्ट टू यू ऑल जिनके सिक्स सेमेस्टर के अभी से एग्जाम स्टार्ट हैं जून में आप सभी को डेट शीट मिल गई होगी जैसे कि आपको पता ही है कि यू के एम डी यू सी आर एस यू जे जी यू सब के पेपर्स अभी हैं फाइनल सेमेस्टर के एंड ऑल दी वेरी बेस्ट टू यू एंड योर करियर टू सो लेट्स वी स्टार्ट अवर न्यू सब्जेक्ट ह्यूमन रिसोर्स मैनेजमेंट चैप्टर सेमेस्टर सिक्स के लिए है और मैंने वी के पब्लिकेशन उठाई है सबसे पहले क्योंकि वी के पब्लिकेशन बहुत ईजी लैंग्वेज में दी हुई है तो आप इजली कवर अप कर पाएंगे तो आज हम हमारा इंट्रोडक्ट्री नहीं सीधा हम चैप्टर वन से स्टार्ट करते हैं ताकि आपको कंसेप्ट साथ ही साथ क्लियर होते रहे सो हेयर इट इज़ योर चैप्टर नंबर वन ह्यूमन रिसोर्स मैनेजमेंट देखिए ह्यूमन रिसोर्स मैनेजमेंट तीन वर्ड हैं तीनों का अलग अलग मतलब है ह्यूमन इंसान रिसोर्स ह्यूमन एक रिसोर्स है एक ज़रूरत है जिसको मैनेज करना आना चाहिए एक ऑर्गेनाइजेशन में एक कंपनी uh, में एक जगह पे जहाँ वो काम कर रहा है ठीक है so, सो एक हैंनरी फोर्ड की बहुत ही प्यारी डेफिनेशन है देखिए सारी बिल्डिंग्स ले लो सारी मशीन्स ले लो सारी कैपिटल ले लो बट मेरे बंदों को मेरे साथ छोड़ दो ताकि मैं फिर से हेनरी फोर्ड बन सकूं ठीक है तो उनका कहने का क्या मतलब है एक मैनेजमेंट में एक कंपनी में एक ऑर्गेनाइजेशन में अगर आप अपनी मशीन्स ले जाओ सारे पैसे ले जाओ सारी बिल्डिंग्स ले जाओ तब भी वो इंसानों के द्वारा अपना बिजनेस चला सकता है और वो काम कर सकता है ताकि वो फिर से हैंडरी फ्रोड बन सके ठीक है तो ये थी एक बहुत ही अच्छी डेफिनेशन जो आप अपने कंटेंट में या फिर इंट्रोडक्टिव पार्ट में डाल सकते हैं उसके बाद देखिए मैं सीधा एक्सप्लेन कर रही हूं मैं ये नहीं उतारी कि मैं ये ये लाइनें पढ़ रही हूँ ठीक है एक आ... एक ऑर्गेनाइजेशन में ह्यूमन रिसोर्स इतना अच्छा रोल प्ले करता है जहाँ पे हमें ह्यूमन रिसोर्स को मैनेजमेंट करने का एक इंपॉर्टेंट हिस्सा है एक सेंट्रल पार्ट है और जिसका प्रॉपर और इम यूज़ होता है हमारे रिसोर्स में जिसका डिपेंड करता है हमारे ह्यूमन फैक्टर्स पे ठीक है अगर हम कॉपरेट नहीं करेंगे हमारे ह्यूमन रिसोर्सेज के साथ तो हम अपने ऑर्गेनाइजेशन के जो भी ऑब्जेक्टिव्स हैं उनको अचीव नहीं कर पाएंगे ह्यूमन रिसोर्सेज को हम रेफर करते हैं हमारी नॉलेज स्किल्स एबिलिटी वैल्यू एप्टीट्यूड एंड बिलीव पोजिशन में जो हमारे वर्क फोर्स करते हैं हमारी ऑर्गेनाइजेशन में वर्क फोर्स हमारा डिटरमाइन करता है एफिशिएंसी एंड द इफेक्टिवनेस ऑफ दी ऑर्गेनाइजेशन अगर हमें अपनी सारी चीज़ों को वही रखना है तो हमारी ऑर्गेनाइजेशन में वर्क फोर्स होना चाहिए साथ साथ इतनी इफेक्टिव कंपेरिजन होनी चाहिए हमारी ऑर्गेनाइजेशन के फैक्टर्स के साथ जो हमारे फैक्टर्स वर्क में है और जो नहीं है तो जो भी हमारा बिज़नेस होता है एक्सेप्ट पीपल हमें ये करना चाहिए कि ह्यूमन रिसोर्स के बिना हम अपने ऑर्गेनाइजेशन गोल्स को अचीव नहीं कर सकते हमारे जितने हम जितने ज़्यादा हमारे ह्यूमन रिसोर्सेज को अचीव करेंगे उतनी ही हमारी ऑर्गेनाइजेशन एक्सलेंस होगी आज के टाइम पर जो हमारी ह्यूमन रिसोर्स मैनेजमेंट है प्रेजेंट है इतना कॉम्पिटिटिव एनवायरमेंट हो चुका है हमारा इसीलिए किसी भी ऑर्गेनाइजेशन ये पॉसिबल नहीं है कि वो अपने ऑब्जेक्टिव्स को अचीव uh, कर सके विदाउट प्रॉपर मैनेजमेंट ऑफ द ह्यूमन रिसोर्सेज इसीलिए ह्यूमन अप्रोच पे फोकस करना मैनेज करना उन पीपल को अपनी ऑर्गेनाइजेशन में ताकि जो ऑर्गेनाइजेशन uh, का जो रिसोर्स है जो इफेक्टिव ऑब्जेक्टिव्स है उसे अचीव कर सके साथ ही साथ हमारे ह्यूमन रिसोर्स को हम डेवलप कर सकें जो ह्यूमन रिसोर्स मैनेजमेंट है वो ऑरिएटेड मैनेजमेंट पॉलिसी है पीपल ओरिएटेड मैनेजमेंट पॉलिसी है क्योंकि ऑर्गेनाइजेशन में इंसान को एक एसेट माना जाता है ना कि एक कोस्ट मतलब एक प्रॉपर्टी एक धन माना जाता है ना कि खर्चा ठीक है एसेट मतलब धन और कोस्ट मतलब पैसे ठीक है खर्चा तो हमें अपनी अच्छे से एक्जिबिशन डेवलपमेंट मोटिवेशन एंड मेंटेनेंस रखनी चाहिए अपने ह्यूमन रिसोर्सेज के साथ उनके साथ डील करना चाहिए ताकि हमारा जो कॉम्पिटेटिव एडवांटेज है हम उसे अचीव कर सकें साथ ही साथ हमें ये भी इंश्योर करना चाहिए कि जो भी हमारा ऑर्गेनाइज हम यूज़ कर रहे हैं वो हमारा प्रॉपर यूटिलाइजेशन हो ऑब्जेक्टिस् को हम अचीव कर सकें साथ ही साथ हम ये भी ध्यान रखें जो ग्रोथ है जो डेवलपमेंट है जो सेटिस्फेक्शन हो जो बेनिफिट है पीपल्स की वो भी साथ साथ होती रहे तो ह्यूमन रिसोर्सेज पीपल को बहुत ज़्यादा मोस्ट मोस्ट इंपॉर्टेंट कंसिडर करने लगी है और जो भी वैल्यूएबल रिसोर्सेज है ऑर्गेनाइजेशन में उनको भी कंसिडर करने लग गई हैं और जो भी पॉलिसीज़ बनाई जाती हैं वही किस लिए बनाई जो उनका एम है पॉलिसीज़ बनाने यही है कि तो हम एक्वायर कर सकें डेवलप कर सकें और इंप्रूव कर सकें हमारी ह्यूमन रिसोर्स की परफॉर्मेंस को साथ ही साथ जो हमारे ऑर्गेनाइजेशन के गोल्स हैं ultimate है, हम उन्हें ईजिली अचीव कर सकें ठीक है तो ये था ह्यूमन रिसोर्स मैनेजमेंट हुआ परफेक्ट और परफेक्ट इंट्रोडक्शन आप इसे ही नोट करना हिस्ट्री हमें पढ़ने की नीड नहीं है ना एग्जाम्स में आएगी तो आप एक्स्ट्रा टॉपिक ना पढ़ें नेक्स्ट टॉपिक है एवोल्यूशन एंड ग्रोथ ऑफ एचआरएम इन इन इंडिया अब इसकी भी नीड नहीं है क्योंकि आपको इंट्रोडक्शन में सारी बेसिक चीज़ें मिल गई हैं उसके बाद आती है हमारी डेफिनेशन डेफिनेशन में आप क्या कर सकते हैं आ, वैसे तो डेफिनेशन इजीली बन जाएगी बट मैंने सिर्फ दो ही निकाली है बहुत इजी और बेसिक है तो सबसे पहले एक मैंने लाइन मार कर रखी है जो ह्यूमन रिसोर्स है वो प्रॉपर और बेस्ट यूटिलाइजेशन ऑफ अवेलेबल रिसोर्स ह्यूमन रिसोर्सेज ऑर्गेनाइजेशन में डील उनके साथ ही डील करता है जिनके अकॉर्डिंग डेफिनेशन बनी है एच से एम इज़ अ प्रोसेस जो ह्यूमन रिसोर्स मैनेजमेंट एक ऐसा प्रोसेस है जो कंसिस्ट करता है चार फंक्शंस को कौन कौन से जो आप पढ़ चुके हो एक्विजिशन डेवलपमेंट मोटिवेशन एंड मेंटेनेंस ऑफ ह्यूमन रिसोर्स ठीक है साथ ही साथ इसके एक और कर लीजिए अकॉर्डिंग टू वेल डेन ह्यूमन रिसोर्स मैनेजमेंट रेफर करता है एक फिलोसफी पॉलिसीज प्रोसीजर एंड प्रैक्टिस जो रिलेट करते हैं हमारी मैनेजमेंट ऑफ पीपल को जो विद इन द ऑर्गेनाइजेशन है ठीक है तो ये दो डेफिनेशन लर्न कर लेना इंपॉर्टेंट बहुत है इनफ है ना हमारे पास कुछ अनदर डेफिनेशन है जो कॉम्प्रिहेंसिव है रॉबिन्स ने ही दी है तो वो क्या कहते हैं जो एच आर एम है एक ऐसा डायमेंशन है हमारे पीपल को मैनेज करने का जब से हमारी ऑर्गेनाइजेशन पीपल को उनकी सर्विसेज को एक्वायर करने लगी हैं स्किल्स को डेवलप करने लगी हैं मोटिवेट करने लगे उनको हाइयर लेवल की उनकी परफॉर्मेंस के लिए और इन्श्योर करने लगे कि वो कॉन्टीन्यूटी उनकी कमिटमेंट रहेगी हमारी ऑर्गेनाइजेशन में ताकि वो अचीव कर सके अपना ऑर्गेनाइजेशनल ऑब्जेक्टिव सो so, ऑर्गेनाइज um, को अचीव करने लगे उनके ऑब्जेक्टिव्स को ठीक है नाउ देर आर टू अप्रोचेस फॉर जो एमर्ज करती हैं बेसिकली डेफिनेशन में एक्सपर्ट्स ने दिव्याँ कि एक्वायर करना डेवलपमेंट करना मोटिवेशन करना एंड मेंटेनेंस करना उन्हें रिवार्ड करना ताकि हम एक इंडिविजुअल ऑर्गेनाइजेशन एंड सोशल ऑब्जेक्टिव्स को अचीव कर सकें ठीक है तो उन्होंने कुछ इन्वेस्टमेंट दी है जो हम कंसिडर्स कर सकते हैं जो ह्यूमन रिसोर्स हैं वो हमारी इन्वेस्टमेंट है उसे हमें इन्वेस्टमेंट की तरह ही कंसिडर करना चाहिए तो जो टी एफ रह उन्होंने कुछ असेंशियल एलिमेंट दिए है एच में क्या दिए हैं कि एम्प्लॉयज़ को हमेशा अपने काम को इन्जॉय करना चाहिए अपना जो एम्प्लॉय है वो अपने काम को पूरा अंकम्पलिश कर सके पूरा एक हाई सेंस के अकॉर्डिंग और एक एम्प्लॉय है वो एक बिलोंगिनेस बना सके हमारी ऑर्गेनाइजेशन में जब वर्क प्लेस में कर रहा है मतलब कोई भी डिस्प्यूट्स ना रखे और जो भी एम्प्लॉयज़ है उसके पास एक पूरी रिस्पेक्ट हो इंडिविजुअल के लिए भी और एक कॉन्ट्रीब्यूशन के लिए जो वैल्यूड होनी चाहिए मतलब कोई भेदभाव ना करें सबके साथ एक अच्छा रिलेशन बना के रखें एम्प्लॉयज़ को हमेशा यही फील करना चाहिए कि वो उनकी जो कॉम्पिटेंस है उसको एनहेंस करेंगे उनकी परफॉर्मेंस ज़्यादा चैलेंजिंग होंगी और उन्हें जो भी टास्क मिलेगा उसमें सेटिस्फाई हो और अच्छे से परफॉर्म करें उन्हें क्या है इंस्टेंट ऑफ स्पेंडिंग टाइम उन्हें अपने से, अपनी सेटिसफाइज को नीड करना चाहिए एम्प्लॉयज़ को अपना कॉन्ट्रीब्यूशन देना चाहिए जो ऑर्गेनाइजेशन के टास्क हैं एंड गोल्स नाउ नेचर ऑफ़ ह्यूमन रिसोर्स मैनेजमेंट सबसे पहले यूनिवर्सल देखिए जो एच है वो यूनिवर्सल है नेचर में क्योंकि वो सारी ऑल सारी ऑर्गेनाइजेशन में के लिए प्रेजेंट रहता है लाइक गवर्नमेंट बिजनेस एजुकेशन हेल्थ रिकेशन सोशल एक्सेट्रा इन सारी ऑर्गेनाइजेशन के लिए बिल्कुल एप्लीकेबल है ह्यूमन रिसोर्स मैनेजमेंट और सारे लेवल्स ऑफ मैनेजमेंट के लिए ऑर्गेनाइजेशन में प्री uh, परमिट्स uh, करता है पार्ट ऑफ मैनेजमेंट डिसिप्लिन जो एच है वो पार्ट है हमारी मैनेजमेंट डिसिप्लिन का अगर हम आ, हम डिसिप्लिन नहीं रखेंगे खुद में तो जो हमारा फंक्शनल एरिया है मैनेजमेंट का उस पर अच्छा काम नहीं पड़ेगा तो जो डिपेंडेंसी है रीजनेबल एक्सटेंट की जो मैनेजमेंट के कंसेप्ट हैं प्रिंसिपल है टेक्निक्स हैं है, वो सारी अप्लाई होती है और वो हमारे एच के एरिया पर ही अप्लाई होती है पीपल ऑरिएटेड है जैसे कि हम ऑलरेडी पढ़ चुके हैं इंडिविजुअल्स ग्रुप जो भी हैं उन सारे काइंड ऑफ पीपल्स को कवर अप करता है ऑर्गेनाइजिंग के वेरियस लेवल पर और उनकी uh, एक्विजीशन डेवलपमेंट मोटिवेशन एंड मेंटेनेंस करता है हमारे पीपल की जो हमारी ऑर्गेनाइजेशन में है एक्शन ओरिएंटेड अप्रोच भी है क्योंकि हम ये सारे अपनी पॉलिसीज एंड प्रस प्रैक्टिस से डील करते हैं साथ ही साथ जो मैनेजमेंट के पीपल हैं उनके प्रॉब्लम्स को रिसॉल्व करते हैं और एक बैलेंस्ड पॉलिसी बना के गोल ओरिएंटेड है क्योंकि जो भी हमारा डायरेक्ट अटेनमेंट रहता है ऑर्गेनाइजेशन गोल का यही रहता है कि हम इस तरह से स्ट्रेटजी को डेवलप करें ताकि हम सारे अपने वर्क और पर्सनल टेक्निक्स के लिए हम कैपेबल हों और अपने ऑर्गेनाइजेशन गोल्स को अचीव कर सके लॉन्ग टर्म प्रस्पेक्टिव जो भी हमारे एच आर एम है उनका लॉन्ग टर्म प्रस्पेक्टिव रहता है हमारे मैनेजमेंट ऑफ द पीपल के लिए और जो भी ह्यूमन रिसोर्स को हम डेवलपमेंट होगी उनकी वैल्यू एडिशन होगी लॉन्ग टर्म प्रोसेस के लिए और जो भी मैनेजर इन्वेस्ट in, करेंगे हमारे ह्यूमन रिसोर्स में वो उनकी नॉलेज के लिए उनकी कैपेबिलिटी के लिए ऑर्गेनाइजेशन के लिए बिल्कुल हार्डनेस का, का काम करेगा क्योंकि जितनी ज़्यादा उनकी डेवलपमेंट होगी जितनी ज़्यादा वो मोटिवेटेड होंगे जितने ज़्यादा वो कैपेबल होंगे उतनी ज़्यादा हमारे काम में आ, सफाई आएगी उतनी एफिशेंसी और इफ़ेक्टिवनेस हमारे इंक्रीज होगी हमारे ऑर्गेनाइजेशन की और उत, उतनी ही ईजिल हम ईज़िल हम अपना ऑर्गेनाइजेशन गोल अचीव कर पाएंगे इंटिग्रेटिंग मकैनिजम uh, इसमें क्या होता है जो हमारे ऑर्गेनाइजेशन गोल्स हैं पर्सनल गोल्स हैं वो हमारे बेनिफिश बेनिफिट है हमारे ऑर्गेनाइजेशन के लिए भी एज वेल हमारे ह्यूमन रिसोर्सेज के लिए भी डेवलपमेंट ऑफ ह्यूमन सॉरी डेवलपमेंट ऑफ ऑरिएटेड डेवलपमेंट ऑरिएटेड क्या है ये सिर्फ आ, खुद के लिए नहीं है मतलब कि बस ऑर्गेनाइजेशन में डेवलप ये हमारे ह्यूमन रिसोर्सेज को भी डेवलप करता है ट्रेनिंग अगर नीड्स है अगर हमारे एम्प्लॉयज़ को ट्रेनिंग की नीड है वो भी उन्हें प्रोवाइड करता है साथ ही साथ उनकी नॉलेज को भी डेवलप करता है और जो उनका इंटरेस्ट है जिस स्किल में इंटरेस्ट है उसको भी इनहेंस करता है ऑर्गेनाइजेशन के अंडर एचरम एक कॉन्टीन्यूस प्रोसेस है क्योंकि हमारे ह्यूमन रिसोर्सेज की हमें रिक्वायरमेंट पड़ती रहती है ऑर्गेनाइजेशन में तो हमें ह्यूमन रिसोर्सेज के अकॉर्डिंग उनकी नीड के अकॉर्डिंग ही प्लान करना चाहिए अगर कोई भी एवर चेंजिंग नीड है रिसोर्सेज की रिक्वायरमेंट के अकॉर्डिंग वेरियस डिपार्टमेंट में तो उसके अकॉर्डिंग भी हमें चेंजेस लाने चाहिए तो ये था आपका नेचर ऑफ द ह्यूमन रिसोर्स मैनेजमेंट आगे स्कोप भी आएगा उसे भी हम साथ में ही करेंगे नेचर एंड स्कोप बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है इस चैप्टर का नेचर स्कोप एंड फंक्शंस दीज आर मोस्ट 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 इंपॉर्टेंट टॉपिक्स तो बी प्रिपेयर योर सेल्फ ठीक है नाउ ऑब्जेक्टिव्स ऑफ एचआरएम ऑब्जेक्टिव हमारे यहाँ चार टाइप के हैं सोशल ऑर्गेनाइजेशनल फंक्शन एंड पर्सनल सोशल ऑब्जेक्टिव क्या है देखिए हर एक एवरी ऑर्गेनाइजेशन के लिए काम होता है ये बिज़नेस के लिए गवर्नमेंट के लिए एजुकेशन के लिए तो हमारा ह्यूमन रिसोर्स एक एथिकल वे है जो एक्सपेक्टेड uh, है रिस्पॉन्सिबल है सिर्फ और सिर्फ ऑर्गेनाइजेशन को बेनिफिट नहीं करता बल्कि हमारी सोसाइटी के वेलफेयर के लिए भी काफ़ी इंपॉर्टेंट है जो हमारे लॉ ऑफ नेशन है ह्यूमन रिसोर्स को लाता है हायर करता है हमारी ऑर्गेनाइजेशन में एक प्रॉपर यूनियन बनाता है रिलेशन बनाता है हमारे लेबर के वेलफेयर फंक्शन के लिए प्रॉपर परफॉर्म uh, करता है इंश्योर करता है हमारी सेफ्टी वर्क के लिए साथ ही साथ जो गवर्नमेंट पास करती है रूल्स और रेगुलेशन रिजर्व सीट्स एम्प्लॉयमेंट के लिए उसके लिए एक सर्टेन परसेंटेज ऑफ प्रॉफिट कारपोरेट के लिए भी एक स्टैंडर्ड सेट करता है साथ ही साथ एक सोशल रिस्पॉन्सिबिलिटी एक्टिविटीज को भी परफॉर्म करता है अगर कोई भी ऑर्गेनाइज फेलियर हो जाए उसको यूज़ करने के लिए रिसोर्सेज के लिए तो सोसाइटी बेनिफिट के लिए तो उसका जो रिज़ल्ट है वो रिस्ट्रिक्शंस की फॉर्म में आता है ठीक है तो बेसिकली ओवरऑल क्या कहने का मतलब था कि जो हमारे ह्यूमन रिसोर्स मैनेजमेंट है वो हमारे सोसाइटी के वेलफेयर के लिए काम आता है क्योंकि जो हमारी गवर्नमेंट ने रूल्स और रेगुलेशन निकाले हैं एम्प्लॉयमेंट की इतने सीट्स तो होंगे ऑर्गेनाइजेशन में तो उनके लिए उनके लिए भी वेलफेयर का ही काम करता है ऑर्गेनाइजेशनल जो एच है वो आइसोलेशन में काम नहीं करता है कोई भी ऑर्गेनाइजेशन अचीव नहीं कर सकती ऑब्जेक्टिव को विदाउट ह्यूमन रिसोर्सेज तो जो ह्यूमन रिसोर्स उनकी स्किल और एफिशिएंसी के लिए ह्यूमन रिसोर्स का यूटिलाइज प्रॉपर यूटिलाइजेशन होना बहुत ज़रूरी है मनी मटेरियल, टेक्नोलॉजी एंड मशीन्स तो जो उनका अल्टीमेट सोर्स है वो असिस्ट करता है हमारी ऑर्गेनाइजेशन को ताकि हम जो ऑबजेक्टिव है उन्हें अचीव कर सकें एफिशेंटली एंड इकनॉमिकली जो भी डिपार्टमेंट सपोज काम करता है कोऑर्डिनेशन में काम करता है उन और सारे अदर डिपार्टमेंट्स में भी अच्छे से काम करता है फंक्शनल ऑब्जेक्टिव जो एच डिपार्टमेंट है वो हमारी ऑर्गेनाइजेशन की डिमांड्स की बहुत टेक केयर कर रखता है क्योंकि जो भी फंक्शंस हम परफॉर्म करते हैं जो भी ह्यूमन रिसोर्स प्लानिंग हो गया रिक्रूटमेंट हो गया सिलेक्शंस हो गया ट्रेनिंग डेवलपमेंट हो गया अप्रेजल हो गया असेसमेंट हो गया फिर एम्प्लॉयज़ के रिलेशन हो गई हम इन सभी को इंश्योर करके चलते हैं जितनी भी हमारी मैन पावर है उनको एडिक्वेट करते हैं जो भी हमारे ऑर्गेनाइजेशन में अवेलेबल है और उन्हीं के अकॉर्डिंग जो करंट और चेंजिंग नीड्स है ऑर्गेनाइजेशन में हम उनको फंक्शन करते हैं उन्हीं को हम अच्छे से मेनटेन रखते हैं नॉ पर्सनल ऑब्जेक्टिव पर्सनल ऑब्जेक्टिव में क्या आता है जो हमारे ह्यूमन रिसोर्सेज हैं ऑर्गेनाइजेशन के वो हमें अच्छी हेल्प करते हैं ऑर्गेनाइजेशन गोल्स को अचीव करने में जो हम हमारी ऑर्गेनाइजेशन की जो ह्यूमन रिसोर्सेज उनको सेटिसफाई करता है और अचीव करता है हमारे पर्सनल गोल को एक प्रॉपर इंटीग्रेशन एंड ऑर्गेनाइजेशन गोल होता है जिसको हम इफेक्टिवली अचीव कर सकते हैं और हमारे एम्प्लॉयज़ को सेटिफाई और मोटिवाइट करता है काम करने के लिए अच्छे से एफिशेंटली वर्क करने के लिए और गोल्स को अचीव अटेन करने के लिए ऑर्गेनाइजेशन हमेशा ध्यान रखते हैं उनकी ट्रेनिंग और डेवलपमेंट का उनके करियर प्लानिंग का उनको कंपनसेट करने का ताकि जो भी पर्सनल ऑब्जेक्टिव है उसे हम मीट कर सकें ह्यूमन रिसोर्सेज के टाइम पे ताकि अगर कोई रिटेन हो या मेंटेन करना हो मोटिवेट करना हो तो हम उन्हें ईजिली कर पाए और साथ ही साथ ये इनहेंस करता है हमारी इंडिविजुअल कॉन्ट्रीब्यूशन uh, का इन मीटिंग ऑफ द ऑर्गेनाइजेशन ऑब्जेक्टिव हमारे एम्प्लॉयज़ को लीड करता है एनहेंस करता है मोटिवेट करता है रिटेन करता है ताकि वो अपना अपना कॉन्ट्रीब्यूशन दे हमारी ऑर्गेनाइजेशन गोल्स के अचीव को मेंटेन करने में मीट करने में मिलाने में और पाने में ठीक है तो ये थे आपके एच के ऑब्जेक्टिव ठीक है नाउ नेक्स्ट और सिग्निफिकेंस एक ही बात है तो डेफिनेशन हम कर चुके ऑलरेडी बार बार पढ़ने की नीड नहीं डेफिनेशन के बाद आते हैं कि हमारे जो एच एर एम के हैं वो तीन सिग्निफिकेंस हैं ऑर्गेनाइजेशनल सोशल एज वेल एज प्रोफेशनल सिग्निफिकेंस तो हम उन्हीं सिग्निफेंस को कॉन्टिन्यू करते हैं सो नीड एंड इंपॉर्टेंस के हमारे एच एर एम के उन्हें अकॉर्डिंग मैंशन किया है कि आइडेंटिफाई करना हमारे ह्यूमन रिसोर्स की रिक्वायरमेंट क्या है ऑर्गेनाइजेशन में उन्हें इंश्योर uh, करना जो उनके अंदर कैपेबल है जो एफिशेंट ह्यूमन रिसोर्सेज ऑर्गेनाइजेशन के उनकी एवेलेबिलिटी को इन्श्योर करना इन्श्योर करना कि उनका इफेक्टिव uh, यूटिलाइजेशन हो और डेवलपमेंट हो हमारे ह्यूमन रिसोर्सेज की हेल्प करना इंडिविजल गोल को इंटीग्रेट सॉरी uh, हेल्प करना इंटीग्रेशन ऑफ इंडिविजुअल गोल को ताकि वो ऑर्गेनाइजेशन गोल के साथ अचीव हो सके डिजाइन करना एक रियलिस्टिक कंपलेशन प्लान ताकि वो रिटेन कर सके मेंटेन कर सके और अट्रैक्ट हो सकें ताकि जो हमारे एफिशिएंट ह्यूमन रिसोर्सेज हैं ऑर्गेनाइजेशन के इंश्योर करना कि हमारे एम्प्लॉयज़ के अंदर फुल कोपरेशन है थ्रू इंसेंटिव पार्टिसिपेशन एंड ग्रेवेंस हैंडलिंग को करने के लिए हमारे जो कॉल्डर और हेल्दियर यूनियन मैनेजमेंट रिलेशनशिप है उन्हें मेन्टेन रखना ऑर्गेनाइजेशन के अंदर इंश्योर करना जो हमारे ऑर्गेनाइजेशन के फ्यूचर और एक्सपीरियंस कमिटेड एम्प्लॉयज़ हैं वो हमारे हमारे टीम में ही रहें और हमारे साथ ही रहें हेल्प करना जो एच आर एफ ह्यूमन रिसोर्स पॉलिसीज़ हैं उनको डेवलप करना और एक कंसिस्टेंट रिलेशनशिप बनाना उनके ह्यूमन रिसोर्स ऑब्जेक्टिव के साथ ऑर्गेनाइजेशन uh, को हेल्प करना उनके गोल्स को अचीव करने में तो ये थे हमारे ऑर्गेनाइजेशन के सिग्निफिकेंस कि जो जो हमारी एक ऑर्गेनाइजेशन हमारी क्या क्या ड्यूटीज़ एंड रिस्पॉन्सिबिलिटीज़ हैं टुआर्ड्स एचआरएम मैनेजमेंट इन एन ऑर्गेनाइजेशन नाउ इट्स सोशल सिग्नीफेंस रेस्पॉन्सिबिलिटी करना जो हमारे ह्यूमन रिसोर्सेज है एक एथिकल वे में और हमारे ऑर्गेनाइजेशन को भी बेनिफिट हो एज़ वेल एज हमारी सोसाइटी को भी बेनिफिट हो हमारे एम्प्लॉयमेंट की अपॉर्चुनिटीज़ को इंक्रीज करना क्योंकि वो मेंबर है हमारी सोसाइटी के कंट्रीब्यूशन में एनहेंस करना डेवलपमेंट करना हमारे ह्यूमन रिसोर्सेज की स्किल एंड नॉलेज में साथ ही साथ हमारी सोसाइटी और नेशन में भी जो हमारे ह्यूमन रिसोर्सेज हैं उनका एक बेस्ट पॉसिबल यूज़ हो प्रॉपर यूटिलाइजेशन हो जो भी वेस्ट है उनको एलिमिनेट कर सकें और ह्यूमन रिसोर्स के टैलेंट को बाहर ला सकें जो भी इफेक्टिव यूज़ होगा हमारे ह्यूमन रिसोर्सेज का एक उनका कॉन्ट्रीब्यूशन हमारी सोसाइटी के वेलफेयर को भी जाएगा सोसाइटी के बेनिफिट के लिए हमें एच जो हमारे ह्यूमन रिसोर्स प्रैक्टिस हैं उनको भी हमें बेनिफिट करते रहना चाहिए नॉ प्रोफेशनल सिग्निफिकेंस जो भी एक हमें हमारे और एम्प्लॉयज हैं उनके लिए एक प्रॉपर हेल्दी वर्क एनवायरनमेंट देना चाहिए ताकि वो इफ़ेक्टिवली uh, यूटिलाइज कर सके अपने स्किल और टैलेंट को ताकि उनका एक uh, एक बेटर यूज़ हो सके हमारे ह्यूमन रिसोर्सेज का जो हमारे ह्यूमन रिसोर्स के डेवलपमेंट है वो हेल्पफुल है करियर और सेक्शेंशन प्लानिंग ऑफ दी एम्प्लॉयज़ के लिए और जो हमारे प्रोफेशनल एम्प्लॉयज़ हैं उनकी एक्सेलेंट ग्रोथ होगी और उन्हें अपॉर्चुनिटीज़ मिलेगी आने वाली ऑर्गेनाइजेशन के टाइम पर टीम uh, स्पिरिट्स को प्रमोट करना और टीम वर्क ही करना ताकि जो ह्यूमन रिसोर्सेज हैं अच्छे से प्रमोट uh, हो सके और एक अच्छा एनवायरनमेंट uh, क्रिएट कर सके ना स्कोप ऑफ एच एर एम मैंने आपको बताया था जैसे कि स्कोप बहुत ही इम्पॉर्टेंट है मोस्ट 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 इम्पॉर्टेंट है सो so, चलिए देखते हैं क्या है जो हमारा ह्यूमन रिसोर्स uh, मैनेजमेंट का स्कोप है वो बहुत ही वाइड और वाइड स्प्रेड है क्योंकि इसमें सारी एक्टिविटीज़ इन्वॉल्व होते हैं हमारे ह्यूमन रिसोर्स डिपार्टमेंट की जो स्टार्टिंग है जो प्लानिंग है और एम्प्लॉयज़ के जाने तक की सारी चीज़ें इसी में आती हैं तो जो स्कोप है वही चार चीज़ें एक्वायर करता है एक्विजिशन डेवलपमेंट मेंटेनेंस एंड रिटेंशन एंड कंट्रोल ऑफ ह्यूमन रिसोर्सेज हम किस तरह से करते हैं और जो स्कोप है चरम का वो सारी एक्टिविटीज़ को अपने अंडर लाता है ताकि एक अच्छा बैनर बन सके हमारे ह्यूमन रिसोर्स मैनेजमेंट का और वो एक्टिविटीज़ कौन कौन सी है सबसे पहले ह्यूमन रिसोर्स प्लानिंग ह्यूमन रिसोर्स प्लानिंग को हम मैन पावर प्लानिंग भी कहते हैं क्योंकि इस प्रोसेस में जो हमारी मैनेजमेंट है वो डेटामाइन करती है ऑर्गेनाइजेशन को कैसे आगे चलाया जाए कैसे उनकी पोजीशन को डिज़ायर करा जाए फॉरवर्ड लुकिंग फंक्शन है इसमें बेसिकली क्या होता है कि हमें राइट right पीपल को राइट right जॉब पे रिक्वायरमेंट पड़ती है हमें राइट right पीपल को राइट right जॉब पे राइट right टाइम पे ही रखना चाहिए जो एच की प्लानिंग है वो बहुत इंपॉर्टेंट फंक्शन है जो कि हमारे ह्यूमन रिसोर्सेज को एक्विजिशन करता है उसके बाद आता है जॉब एनालाइजेशन एंड डिज़ाइन इसके बाद आता है ह्यूमन रिसोर्स मैनेजमेंट का अगला प्रश्न कि हमें जॉब को कैसे एनालाइज करना है की उसमें कौन कौन सी एक्टिविटीज को परफॉर्म कर जाएगा उस पर्सन के लिए जिस पर्सन हम पर्सन को रखेंगे उसके अंदर क्या क्या स्किल और नॉलेज uh, की रिक्वायरमेंट होगी उस जॉब को परफॉर्म करने के लिए कौन कौन से डाटा के हमें कलेक्शन की नीड होगी और उसके रिगार्डिंग हमें रेलिवेंट इंफॉर्मेशन चाहिए जॉब के गार्डिंग ताकि हम उस इंफॉर्मेशन को अपडेट कर सके अगर कोई चे, uh, कोई चेंजिंग सिनेरियो आता है तो तो और जो ये चीजें हैं ह्यूमन रिसोर्स एक्सीपेशन बहुत इंपॉर्टेंट रोल प्ले करता है इसीलिए जॉब एनालिसिस एक ऑब्जेक्टिव है ताकि हम राइट पीपल को एक्वायर कर सकें उस एन ऑर्गेनाइजेशन में ना उसके बाद आता है रिक्रूटमेंट एंड सेलेक्शन इसमें क्या होता है जो भी मैन पावर हम कंसिडर करते हैं वो फर्स्ट स्टेप टू होता है हमारा ताकि उस एम्प्लॉय को हम हायर कर सकें और जो प्रोसेस है रिक्यूटमेंट का उसको बिगिन कर सकें और जो भी हमारे ह्यूमन रिसोर्स की रिक्वायरमेंट है ऑर्गेनाइजेशन में वो एंड विद द सिलेक्शन एंड इंडक्शन प्लेसमेंट के साथ कर सकें क्योंकि जो जो हम एम्प्लॉयज़ को फाइनलाइज करेंगे उसके बाद तो हम सेलेक्ट भी करेंगे कि ही इज़ एबल और नॉट कि वो पर्सन उस जॉब के लिए कैपेबल है या नहीं अगर कैपेबल होगा तो हम उसको सारे उसके अकॉर्डिंग ह्यूमन सोर्स की डेटर्मिनेशन करेंगे कि हमारे पास उस चीज़ की रिक्वायरमेंट है हमारी ऑर्गेनाइजेशन में या नहीं अगर है उसके बाद फिर हम सिलेक्शन कर लेंगे उसकी इंडक्शन मतलब उसके सारे इंफॉमेशन दे देंगे और उसको प्लेस कर देंगे उस एम्प्लॉय को उस जगह पर न ओरिएंटेशन एंड इंडक्शन इन सबके आगे चैप्टर्स भी आएंगे बहुत बड़े बड़े चैप्टर्स हैं तो उसमें आपको और अच्छे से कंसेप्ट क्लियर हो जाएगा बट तो यहाँ पर मैं जो बेसिक चीजें हैं मैं आपको वो क्लियर करती जा रही हूँ स्टेप बाई स्टेप ठीक है सो नेक्स्ट पॉइंट था हमारा ओरिएंटेशन एंड इंडक्शन जो हमारा एच आर एम है वो सपोज करता है हमारी कंडक्ट कंडक्ट ओरिएंटेशन को जो भी प्रोग्राम है एम्प्लॉयज़ को सेलेक्ट करता है उनका वर्क और जो प्रोसेस है वो एम्प्लॉयज़ को एक बेटर विजन मिशन एंड वैल्यू बैकग्राउंड देते हैं ताकि एक वर्क कल्चर प्रोवाइड हो सके हमारी ऑर्गेनाइजेशन में नॉट ट्रेनिंग एंड डेवलपमेंट जो एच एल एम है को एक इंपॉर्टेंट एरिया जहाँ पर ट्रेनिंग और डेवलपमेंट की नीड पड़ती रहते हमारे ह्यूमन रिसोर्सेज को जितनी हम ट्रेनिंग और डेवलपमेंट एनहेंस uh, करेंगे हमारे ह्यूमन रिसोर्स के उतनी ईजली हम एफिशेंटली वो एनहेंस कर पाएंगे और जो ट्रेनिंग uh, और डेवलपमेंट है वो उनकी एम्प्लॉयज़ की परफॉर्मेंस को इम्प्रूव ही करती है साथ ही साथ उन्हें अपॉर्चुनिटीज़ प्रोवाइड करता है ताकि वो ग्रोथ कर सके उनकी डेवलपमेंट हो सके जो ट्रेनिंग uh, की इंपॉर्टेंस है वो उनके रैपिड चेंजेस के रिजल्ट को इनक्री इंक्रीज करती है और हमारे न्यू टेक्नोलॉजीज़ को भी डेवलप करती है और ट्रेनिंग एक ऐसा एक्ट है एक ऐसा टूल है जो हमारी स्किल्स को इंक्रीज करता है एम्प्लॉयज़ की नॉलेज को बढ़ता है ताकि एक पर्टिकुलर जॉब में वो उनका स्किल और नॉलेज बढ़ सके और जिसका एम हमें एफिशेंटली एम्प्लॉय के एक स्पेसिफिक जॉब पर पड़ता है और जो डेवलपमेंट है वो एक ओवरऑल डेवलपमेंट होती है एम्प्लॉय की फ्यूचर ओरिएटेड से रिलेटेड होती है और जो ऑर्गेनाइजेशन उनका बिलीव यही है कि जो रिक्रूटमेंट है वो बेस्ट रहता है इंडस्ट्री में बट डेवलपमेंट पूरी कंपेटेंसी की होती है तो जो ट्रेनिंग और डेवलपमेंट है वो आ, आ, यही उनका यही मोटिव है कि ह्यूमन रिसोर्स की जो क्वालिटी है उसको इंप्रूव कर सके हमारी ऑर्गेनाइजेशन के अंदर नाउ नेक्स्ट स्टेप है परफॉर्मेंस अप्रेजल परफॉर्मेंस अप्रेजल में क्या होता है कि जो एच आर एम डिपार्टमेंट और ऑर्गेनाइज वो डेवलप करते हैं अप्रोप्रेट परफॉर्मेंस करते हैं ठीक है तो एक सिस्टमेटिक एवोल्यूशन होता है हमारी प्रेजेंट परफॉर्मेंस का जो हमारे एम्प्लॉयज़ हैं और उन्हें इंडिकेट करता है जो भी हमारे प्रेजेंट एम्प्लॉइज़ हैं वो अपनी जॉब रिक्वायरमेंट से मीट करें और उनका जो आइडेंटिफिकेशन गैप होता है वो भी एम्ड होता है जो हमारी ऑर्गेनाइजेशन है वो एवोल्यूट करता है कि प्रेजेंट पोजिशन क्या है उनकी स्ट्रेंथ क्या है उनकी वीकनेसेस क्या है हमारे ॉयज़ की ताकि जो ऑर्गे ताकि वो हेल्प कर सकें ऑर्गेनाइज ताकि वो स्टैंड हो सकें और उन्हें एक डिफरेंट लेवल हम सेट करके दें हमारी ऑर्गेनाइजेशन में और साथ ही साथ आइडेंटिफाई कर सकें कि उनके अंदर कितना पोटेंशियल है और कितनी उन्हें परफॉर्मेंस अप्रेजल की नीड है कितनी ट्रेनिंग की नीड है उनके लिए कितना डेवलपमेंट और होना चाहिए तो इन सारी चीज़ों को साथ लेकर चलता है ह्यूमन रिसोर्स मैनेजमेंट ताकि जो एच जो ह्यूमन रिसोर्स डेवलपमेंट होगा वो ट्रेन और डेवलपमेंट एक बेटर होगा ताकि हम गोल्स को अचीव कर सके ताकि उनकी परफॉर्मेंस भी बेटर हो पोटेंशियल अप्रेज़ल पोटेंशियल अप्रेज़ल क्या होता है चिरम में uh, कि जो असेसमेंट uh, है आइडेंटिफिकेशन है जो स्किल है नॉलेज है हम उसे निकाल सकें क्योंकि जो इम्प्लॉयज़ कैपेबल हैं वो उसको यूज़ नहीं करते उस प्रेजेंट टाइम में लाइक डायनेमिक अगर कोई बिजनेस में कोई डायनेमिक नेचर आ जाता है या फिर कोई डेवलपमेंट हो, हो जाए कोई डायफोर्सिफिकेशन हो जाए मॉड मॉडर्नाइजेशन आ जाए कोई कंपटीशन इंक्रीज हो जाए तो वो किस तरह से हैंडल करता है ऑर्गेनाइजेशन के काम को ह्यूमन रिसोर्सेज को तो उस पोटेंशियल डेवलपमेंट के लिए हमारे एम्प्लॉइज़ के पोटेंशियल को एनहेंस करने के लिए उन्हें चैलेंजेस को एक्सेप्ट करना पड़ेगा रिस्पॉन्सिबिलिटीज़ को हैंडल करना पड़ेगा ताकि वो अपनी एक हायर पोजिशन बना सके फ्यूचर में और जितनी डेवलपमेंट पोटेंशियल डेवलपमेंट को हम एम करेंगे आइडेंटिफाई करेंगे डेवलप करेंगे एम्प्लॉज की उतनी ईजिली वो ऑक्यूपाई कर, कर सकते हैं एक अच्छी पोजिशन फ्यूचर में और अपनी रिस्पॉन्सिबिलिटीज़ को एक्सेप्ट कर सकते हैं पोटेंशियल अप्रेजल होता है जो उनके हिडन टैलेंट है उनको बाहर निकालना बाई गिविंग हिम टास्क एंड चैलेंजेस एंड रिस्पॉन्सिबिलिटी ताकि वो उसे एक्सेप्ट करें और उन्हें परफॉर्म करें जो उनके हिडन टैलेंट है वो बाहर आ सके ताकि फ्यूचर में उनको एक अच्छी अपॉर्चुनिटी मिल सके और अपना एक पोजीशन एक Uh, एक अपना जगह है एक एक ओदा बना सकें ऑर्गेनाइजेशन में ठीक है करियर प्लानिंग क्या है करियर प्लानिंग एंड सक्सेशन प्लानिंग कंसिडर करती है हमारी ह्यूमन रिसोर्स मैनेजमेंट में जो एबिलिटी है ऑर्गेनाइजेशन की वो एनश्योर करती है ताकि जो ऑप्टिमम यूटिलाइजेशन हो हमारे ह्यूमन रिसोर्सेज का हो जो डिपेंड करता है हमारी एबिलिटी ऑफ द ऑर्गेनाइजेशन ताकि जो उनकी डिज़ायर नीड्स हैं एसपरेशंस हैं ह्यूमन रिसोर्सेज की एक करियर सीक्वेंस होता है पोजिशन का जो हमारे पर्सनस के लिए उनकी वर्क लाइफ में लिए काफ़ी कोर्स की तरह ही होता है जो जो हमारे एम्प्लॉइज़ को हेल्प करता है ताकि वो प्लान कर सके अबाउट द करियर तो एनकरेज करते हैं हमारे इंप्लॉज को ताकि वो एनालाइज कर सके अपनी कैपेबिलिटीज़ को और इन्फॉर्म कर सके कि उनके लिए क्या क्या उनके लिए करियर अपॉर्चुनिटीज हैं ऑर्गेनाइजेशन में अवेलेबल हैं ताकि इनका फोकस करियर प्लानिंग पर होता कि हम एम्प्लॉय कर सके आ, हेल्प कर सके एम्प्लोई को ताकि वो अपनी स्किल और एबिलिटीज़ को मैच कर सके अकॉर्डिंग टू नीड एंड डिमांड ऑफ द ऑर्गेनाइजेशन और एक्सेलेट कर सके अपनी ग्रोथ अपॉर्चुनिटी को एफिशिएंट और कैपेबली तो करियर प्लानिंग एक सिस्टमेटिक प्रोसेस है जो डेटामाइन करता है करियर प्रोस्पेक्ट्स को करियर डेवलपमेंट को करियर ग्रोथ को ऑफ एन इंडिविजुअल एम्प्लॉय जो स्ट्रेंथ करता है हमारे ह्यूमन रिसोर्स डेवलपमेंट सिस्टम को भी ऑर्गेनाइजेशन के अंदर और साथ ही साथ हम एक वाइटल असिस्टेंट एम्प्लॉय को प्रोवाइड करता है जो कि करियर प्लानिंग और डेवलपमेंट के लिए फॉस्टर का रोल प्ले करता है सो लास्ट स्टेप क्या है हमारी स्कोप का रिवार्ड एंड कम्पनसेशन जो रिवार्ड है वो ए, एक कम्पनसेशन एम्प्लॉय के लिए क्योंकि वो सर्विसेज दे रहे हैं ऑर्गेनाइजेशन में तो ड्यूटी है चर की ऑर्गेनाइजेशन में ताकि वो लुक आफ्टर करें कि उन्हें क्या रेम्योनेशन और कम्पनसेशन प्लानिंग होनी चाहिए और नेसेसरी है उन्हें कंपनसेशन देना रिटेन देना एट uh, मोटिवेट करना एक्ट्रैक्ट करना सर्विसज का ताकि एम्प्लॉयज ऑर्गेनाइजेशन में एफिशेंटली काम कर सकें एम्प्लॉज़ को जो भी रिवार्ड सूट करता है अकॉर्डिंग टू दरअ कॉन्ट्रीब्यूशन में देना चाहिए जिवार्ड है वो एस्ट्रिक्ट रिवार्ड भी हो सकता है मतलब मॉनेटरी भी हो सकता है और नॉन मॉनिटरी भी मॉनेटरी से होता है लाइक हमें मतलब मॉनेटरी कौन से होंगे लाइक प्रमोशन दे देना फ्रिज बेनिफिट्स दे देना और जो नॉन मॉनेटरी लाइक मतलब उन्हें अच्छे से प्राइड दे लेना एक ओदा दे देना उनका प्रमोशन कर देना तो ये सारे उनके बेनिफिट्स होते हैं जो उन्हें डेवलप करते हैं उनके वर्किंग वर्किंग चीज़ों में मतलब उनका काम और बढ़ जाता है और वेरियस लेवल पे तो हमें कंपनसेशन प्लान भी डिज़ाइन करना चाहिए ताकि हम उसे लुक आफ्टर कर सकें पॉलिसीज़ बना सकें ताकि जो फाइनेंशियल पोजीशन है एम्प्लॉयज़ की वो अच्छी हो सके हमारी ऑर्गेनाइजेशन में ठीक है तो ये थे आपके बेसिक और मोस्ट इम्पॉर्टेंट टॉपिक स्कोप ऑफ दर्गेनाइजेशन uh, कुछ हमारे नेशनल इंस्टीट्यूशन पर्सनल मैनेजमेंट में कुछ स्कोप और दिए हैं लेबल एंड सॉरी लेबर एंड पर्सनल एस्पेक्ट इसमें क्या होता है जो मैन पावर प्लानिंग होती है रिक्रूटमेंट होती है इन चीज़ों का इन्वॉल्वमेंट होता है देखिए प्लानिंग रिक्रूटमेंट सेलेक्शन प्लेसमेंट ट्रांसफर प्रमोशन ट्रेनिंग डेवलपमेंट ले ऑफ रिक्रूटमेंट मैरिनेशन इंसेंटिव एंड प्रोगव जो हमारे लेबर के लिए काफ़ी ज़्यादा जरूरी होते हैं वेलफेयर एक्सपेक्ट्स में क्या होता है ताकि वो डील कर सके वर्किंग कंडीशन से एमेंटीन्स में जो कैंटीन क्रैचेज होते हैं लंच रूम्स होते हैं हाउसिंग होती है ट्रांसपोर्टेल ट्रांसपोर्ट मेडिकल असिस्टेंस एजुकेशन इन सारी चीज़ की फैसिलिटी है या नहीं है या फिर इंडस्ट्रियल रिलेशन एक्सपेक्ट्स में क्या uh, वो एक्सपेक्ट uh, करते हैं कि जो यूनियन मैनेजमेंट के रिलेशन कैसे हैं जो जॉइंट कंसल्टेंट कैसे हैं कलेक्टिव बार्गेनिंग कैसी ग्रीवियंसिस है, कैसे हैं और जो सेटलमेंट है डि, डिस्प्यूट्स के वो कैसे ठीक है सो फंक्शंस हम नेक्स्ट वीडियो में करेंगे आई थिंक ये वी वीडियो बहुत लंबी हो गई होगी तो आपके लिए इतना ही सफिशियंट आप यहाँ तक कवर अप कर लें अगर यहाँ तक कोई भी डाउट है तो आप मुझे कमेंट सेक्शन में कमेंट करके बता सकते हैं और नीचे मैं अपनी ई मेल अपनी टेलीग्राम चैनल का लिंक और अपना इंस्टाग्राम आई डाल रही हूँ तो आप मुझे तीनों कहीं भी आप कहीं भी कॉन्टैक्ट कर सकते हैं अगर आपको कोई डाउट है या फिर कोई आपकी क्वायरी है सो थैंक यू हैव ए नाइस डे सो इस वीडियो को एंड तक सुनना और कोई भी डाउट हो मुझे क्लियर कर देना तो बाकी का रेस्ट ऑफ द टॉपिक हम नेक्स्ट वीडियो में कवर करेंगे थैंक यू हैव हैवे नाइस डे